बनाने के लिए कौन कौन से ड्राइंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्राइंग बुक या पेपर शीट आप किसी पे भी ड्रॉ कर सकते हो जब आपने स्टार्ट बिगनर हो तो। प्रैक्टिस के लिए पेपर शीट भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो या फिर ड्राइंग बुक में। इसके GSM अच्छे होते हैं ड्राइंग बुक के, और ये 140 GSM वाला A4 साइज़ का पेपर है, आप इस पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा ग्रेफाइट ऑब्जर्व करता है तो ईजिली आप डार्कनेस अचीव कर सकते हो इस पे। और ये 45 रुपीज़ का 20 शीट्स है एक पैक। और पेंसिल्स चाहिए बहुत सारे ब्रांड की है, कैमलिन, डॉम्स की, एप्सरा की और आर्टलाइन की। डॉम्स की पेंसिल सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो डार्कनेस उसके बहुत है, और आर्टलाइन की। कैमलिन के इतने भी अच्छे नहीं है, उसकी लीड टूट जाती है, 6B और 8B की लीड टूटती रहती है, बट डॉम्स के और आर्टलाइन के ऐसे नहीं है। ये डॉम्स का है पैकेट, 50 रुपीज़ का है ये डॉम्स का, और कैमलिन का 45 रुपीज़ का है उसका प्राइस। ₹50 का है डॉम्स का पेंसिल और ये 45 रुपीज़ का है। ये अप्सरा की पेंसिल है। इन सब में HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B तक का रेंज मिलेगा, और सिंगल लेने जाओगे तो 12B और 11B भी मिलेंगे, सारे सिंगल भी मिलते हैं इसमें। और ये आर्टलाइन का है, एप्सरा 36 रुपीज़ का प्राइस है उसका, और आर्टलाइन 70 रुपीज़ प्राइस है इन पेंसिल्स की। ये भी बहुत अच्छी है, ये डार्कनेस बहुत अच्छे से अचीव करती है ये पेंसिल्स। ऐसा बिगनर हो तो आप सिर्फ डॉम्स की पेंसिल लो, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके यहाँ पे तो फिर आप कैमलिन की ले लो। और के ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स ये रहते हैं, ये अनुपम स्टोर से लिया हुआ है, 75 रुपीज़ के ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं, ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा आपको। और एक नीडेड इरेजर चाहिए और एक नॉर्मल इरेजर, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, नीडेड इरेजर ज़्यादा अच्छा है। ये 25 से 30 रुपीज़ का आता है। नॉर्मल इरेजर भी ले सकते हैं। और चारकोल पेंसिल्स, ये कैमलिन ब्रांड की चारकोल पेंसिल्स है, ये सॉफ्ट वाली है। इसमें 3 मीडियम आते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। हार्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होते, सॉफ्ट और मीडियम ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और सॉफ्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि उसकी लीड सॉफ्ट होती है। और ये कंप्रेस चारकोल स्टिक है, ये 20 रुपीज़ की आती है, सिंगल स्टिक आती है ये। और एक शार्पनर और एक ब्रश, इससे आप स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हो। एज ए बिगनर आपको कोई भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत से चीज़ों से ही आप बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।